भाजपा के पार्षद पद के प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। इसी कड़ी में वार्ड 22 से भाजपा से पार्षद पद की प्रत्याशी सरोज सैनी ने सूर्य नगर में कार्यालय का शुभारंभ किया। फीता काटकर विधायक रितेश गुप्ता एवं विनोद अग्रवाल ने कार्यालय का शुभारंभ किया। इसके बाद हवन पूजा बन वातावरण को शुभ किया गया। भाजपा प्रत्याशी सरोज सैनी ने कहा कि वार्ड का विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके बाद सरोज सैनी ने सबका आभार व्यक्त किया, साथ ही कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य निवासी की सेवा करना है। इस दौरान पार्षद प्रत्याशी के पति पूर्व पार्षद रमेश सोनी ने बताया कि क्या नाम है आपका? रमेश सोनी। रमेश जी, कौन सा वार्ड लगता है आपका? वार्ड 22 से प्रत्याशी। क्या कार्यक्रम किया गया था? कौन लोग उपस्थित रहते हैं, कौन मुख्य अतिथि थे? कैसा आपको मतलब यहाँ पर रेस्पॉन्स मिला जनता का कि दोबारा से आप ही चुने जाएंगे? कैसे जनता का हमारे पहले भी प्यार था, हमारे कोई मतभेद नहीं, कोई बरादरीवाद नहीं, हमारे कोई हम दोनों साथ में रहते हैं। तो कौन प्रत्याशी इस बार आपकी तरफ सामने आपकी तरफ से कौन प्रत्याशी? हमारी मिसेज है सरोज सैनी। सरोज सैनी जी,